सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर बिजनेस वीडियोस इन हिंदी। अगर आप सक्सेसफुल बिजनेस करना चाहते हैं और सिर्फ एक आदत है जो आपको रोकती है, वो है लेजीनेस। आलसी होना एक व्यक्तित्व विशेषता नहीं है, ये एक आदत है जिसे तोड़ा जा सकता है। कोई आलसी पैदा नहीं होता, ये कुछ ऐसा है जिसे हम सीखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर मिस्टर बिल गेट्स ने भी कहा है कि मैं लेजी पर्सन को चूज करता हूँ हार्ड वर्क करने के लिए, क्योंकि वो स्मार्ट तरीका ढूंढ लेते हैं उस काम को जल्दी से जल्दी करने के लिए। आज की फास्ट मूविंग दुनिया में अगर आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो आप बहुत लोगों को ऐसा पाएंगे जो कुछ नहीं कर रहे हैं तब भी सक्सेसफुल हैं। उसका रीजन क्या है? वो हार्ड वर्क नहीं करते हैं, वो स्मार्ट वर्क करते हैं, वो इंटेलिजेंट होते हैं, इनोवेटिव होते हैं, और वो हर काम को करने के इनोवेटिव और स्मार्ट तरीके ढूंढ लेते हैं जिसमें उनके एफर्ट्स कम लगते हैं। जो लेजी लोग होते हैं उन्हें 9 से 5 काम करना, डेडलाइंस को कंप्लीट करना, गोल को अचीव करना बहुत टफ हो जाता है उन लोगों के लिए। तो वो लोग ऐसा काम करना पसंद करते हैं जहाँ पे उनके लिए फ्रीडम हो, खुद के ही बॉस हो, कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं हो, उस काम को वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। मेरा नाम है अभिनव और आप देख रहे हैं बिजनेस एक्सप्लेनर। इस चैनल पे आपको रेगुलर बेसिस पे बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं, इन्फॉर्मेशनल वीडियोस मिलती रहती हैं। अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लीजी पर्सन के लिए जो सबसे पहला बिजनेस आता है उसका नाम है रेंट आउट प्रॉपर्टी। अगर आपके पास शॉप है, रूम है, हाउस है या कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो आप उसे रेंट आउट कर सकते हैं, और विदाउट एनी हार्ड वर्क बहुत स्मार्ट वे में आप घर बैठे बैठे विदाउट एनी मोर एफर्ट्स आप अच्छी अर्निंग रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं। दूसरा जो बिजनेस आता है लीजी पर्सन के लिए वो है रेंट आउट व्हीकल। बिना कुछ करे पैसा कमाना मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। आप लोग को पता ही होगा आज की फास्ट मूविंग दुनिया में ट्रांसपोर्टेशन का इम्पोर्टेंस बहुत इंक्रीज होता जा रहा है। तो अगर आपके पास किसी भी टाइप का व्हीकल अवेलेबल है, वो पर्सनल हो या कॉमर्शियल यूज के लिए हो, तो आप उसे रेंट आउट कर सकते हैं। बहुत सारी मार्केट में सर्विसेज अवेलेबल हैं जिनके थ्रू आप अपने व्हीकल को रेंट आउट कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली उसे रेंट आउट कर सकते हैं, और विदाउट एनी हार्ड वर्क आप घर बैठे बैठे काफी अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। लीजी पर्सन के लिए जो तीसरा बिजनेस आता है वो आता है बिकम इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर के थ्रू आज के टाइम में बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं स्मार्ट वे में, आप भी कमा सकते हैं सोशल मीडिया और पर्सनल ब्लॉग्स के थ्रू। जिस टाइम पे आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल ऑप्टिमाइज हो जाएगी उस टाइम पे कंपनीज और पेड प्रमोशन और कोलोबेशन के लिए बड़े बड़े ब्रांड्स आपको रीच आउट करेंगे और एडवर्टाइजमेंट के लिए वो आपको काफी अच्छा पे आउट करेंगे जिसमें भी आपका कोई ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगेगा और स्मार्ट वे में आप काफी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। चौथा बिजनेस आता है जो एक लेजी पर्सन के लिए वो आता है बिकम अ फूड ब्लॉगर। खाना खाना किसको अच्छा नहीं लगता है, अगर आप दिल से फूडी हैं तो आप फूड ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। आप फूड ब्लॉग के बारे में ब्लॉगिंग के थ्रू भी बता सकते हैं या यूट्यूब चैनल के थ्रू भी बता सकते हैं, जिसमें आपको नई नई जगह पे जाके नया नया खाना टेस्ट करना होगा और अपने व्यूज ऑडियंस के सामने पेश करने होंगे। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं किस किस जगह पे खाना अच्छा मिलता है, कहाँ पे प्राइसिंग अच्छी मिलती है, वो सारी चीजें आप ऑडियंस को अपने राइटिंग ब्लॉग्स के थ्रू या यूट्यूब चैनल के थ्रू बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको 4 ऐसे बिजनेस बताए जो कोई भी लेजी पर्सन कर सकता है विदाउट एनी हार्ड वर्क, कुछ ही एफर्ट्स के साथ वो घर बैठे बैठे काफी अच्छी अर्निंग कर सकता है। इसी टाइप की रेगुलर बेसिस पे हम लोग बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड कराते रहते हैं। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं इस टाइप के वीडियोस देखने में तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सोशल मीडिया लिंक्स नीचे प्रोवाइड हो जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, उनके थ्रू आप मुझसे गेट इन टच हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।